नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे मैं आप सभी के साथ आपके ही कुछ कमेंट्स आए हैं उस पर वीडियो बना रहा हूं। पहला स्टॉक है, दूसरा एक डिविडेंड को लेकर कमेंट है किसी व्यूअर का कि भाई जो अपकमिंग डिविडेंड्स आने हैं वो कैसे पता करें हम। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। वोल्टास का शेयर है और हिंदुस्तान जिंक के कुछ शेयर्स होंगे किसी के पास और उनको डिविडेंड कम मिला है। मुझे अच्छे से याद है कंपनी ने डिविडेंड अराउंड 15 रुपये पर शेयर आई थिंक दिया था, 15 रुपये पर शेयर का। और उनका कुछ कमेंट है कि भाई मेरे को 11.5 रुपये के समथिंग का डिविडेंड मिला है, ऐसा क्यों, तो इसको बात करेंगे। प्लस आईटी स्टॉक जो आप लोग कंटिन्यू विप्रो के लिए परेशान हो रहे हो कि भाई विप्रो खरीदा है और गिर रहा है, क्या करें। आज भी वीडियो बनाई आपके कहने पर। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप कर रहे हो ये अच्छी बात है, लेकिन उतनी अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, हमेशा सुनो सबकी, करो अपने हिसाब से। सबकी सुनने के बाद खुद जरूर चेक करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आप मेरे कहने से भी कर रहे हो तो आपको नुकसान कभी ना हो। और बट मैं भी एक नॉर्मली ह्यूमन बींग हूँ, तो मार्केट में सब उल्टा पड़ता है। कभी कभार हमारे स्टॉप लॉस भी होंगे, वहाँ मैं आपसे कहूँगा पोजिशन काटने के लिए। तो आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप भी कोऑपरेट करो, आप भी बाजार को समझते हो कि हमेशा नहीं हो सकता टारगेटेड। प्लस एक कमेंट आया मेरे पास कि पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक तो बंद कर ले लाइक दिस टाइप। मैं आपसे हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि 2 दिन से कंटिन्यू या सोसाइटी में कोई फंक्शन चल रहा है तो पीछे से वो गाने बज रहे हैं, उसको मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करा करो कभी कभार कि हाँ कुछ है तो ठीक है, चलो जो भी है। अच्छा, अभी मैं पहले स्टॉक के बारे में बात करता हूँ, डिवीज लैब, इसके लेकर कमेंट है। इस पर मैंने बाय रिकमेंडेशन दी थी, कंटिन्यू गिर रहा है स्टॉक। क्वालिटी चेक कर लीजिए, 1 नंबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के रिजर्व्स, कंपनी का डेट, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। दिक्कत मिलेगी शेयर के प्राइस में। अब शेयर का प्राइस ही मैटर करता है, वैसे तो प्रॉफिट या लॉस तो शेयर के प्राइस से ही होता है, बट आपको ये समझना चाहिए जो चीज़ अभी आपको लॉस दे रही है वो आपको आगे चल के बड़ा फायदा दे सकती है। कैसे? ऐसा तो यानी स्टॉक का हाई है भाई 5,000 का, अभी हमने खरीद लिया 4,4500 पे, तो नीचे जा रहा है तो डर लग रहा है। ऑलरेडी 3,000 पे शेयर ट्रेड कर रहा है, 3200-3300 पे, 5,500 का हाई है। 30 के पी पे मिल रहा है आपको, 28-29 के पी पे। और फार्मा स्टॉक ये एपीआई बिजनेस का मार्केट लीडर है, केवल भारत में नहीं 95 कंट्रीज में। ये सारी चीजें देखते हुए मैंने आपको रिकमेंड करा था। एक चीज और कहूंगा, काफी सारे लोग कहते हैं भाई अपनी पोर्टफोलियो दिखाओ, तो ये मेरी पोर्टफोलियो में भी है स्टॉक। अगर आपको इससे कॉन्फिडेंस मिलता है तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये मेरी पोर्टफोलियो में है और मुझे तिनका भर भी टेंशन नहीं है, तिनका भर भी। मैं आपसे कहूँगा अगर आप इसको 2-5 साल मेरे कहने से दे सकते हो ना, तो आप मुझे डेफिनेटली थैंक यू बोलने वाले हो 2-3-5 साल में कि भाई क्या शेयर पिक करा था आपने। ये ऐसा शेयर है जो यहाँ से अगले 2 साल में आपका पैसा डबल कर सकता है, यानी 50% के रिटर्न पर ईयर के हो गए। कौन सी चीज़ आपको बना के दे देगी? ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। अच्छा स्टॉक है, गिरावट मिल रहा है, मौका समझो। गिर क्यों रहा है? एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक है और एक्सपोर्ट उतनी नहीं हो रही है अभी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट एक कमेंट है कि भाई डिविडेंड कैसे चेक करें, कैसे लेटेस्ट जो डिविडेंड देने वाले हैं, कौन से स्टॉक देने वाले हैं, कैसे पता करें। तो यहाँ पे गूगल बाबा की मदद से आप चेक कर सकते हो, आप बीएससी की साइट पे एक्टिव रह के भी चेक कर सकते हो, आप बिजनेस चैनल पे एक्टिव रह के चेक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि सबका सुबह जो भी ट्रिगर्स होते हैं वो मेन बताए जाते हैं आपको, या फिर आप हमारे साथ भी कर सकते हो। मतलब आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। एक तो गूगल बाबा है सबसे पहले, तो कि भैया डालो लेटेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक, आपको नाम मिल जाएगा, एक्स डेट मिल जाएगी। आपको नहीं समझ में आ रहा है एक्स डेट वगैरह, नाम मिल गया, हमारी वीडियो पे आके सिर्फ कमेंट कर दो भैया ये शेयर है, इसका डिविडेंड आ रहा है, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट बता दो, हम आपको अपनी वीडियो में बता देंगे। सिंपल सी बात है, आपके ही सवालों पे बात करता हूं मैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप चेक कर सकते हो, बाकी सब कुछ अवेलेबल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, वोल्टास को लेकर कुछ कमेंट है। और वोल्टास में आपने ऑलरेडी काफी बड़ी गिरावट भी देखी है। इस स्टॉक की बात करें तो रिसेंटली LIC ने इस स्टॉक में अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया है, और ये म्यूजिक बहुत तेज हो रहा है, मेरा सर दर्द होने लगा है। ये अराउंड 5 बजे से बज रहा है आज भी और वीडियो में भी, चलिए ठीक है, अब कुछ हो रहा है फंक्शन, ठीक है। वोल्टास की बात करें तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा ऊपर आ सकता है, अराउंड 880-910 निकालता है स्टॉक, तो जो ये गिरावट का सिलसिला चल रहा है उसका ब्रेकआउट होगा और फिर स्टॉक कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैं आपसे कहूंगा जिस पे है वो बने रहे, फ्रेश एंट्री बॉटम फिशिंग ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वालिटी वाइज स्टॉक अच्छा है, वैल्यूएशन वाइज महंगा है, बट ये स्टॉक इतना महंगा तो ट्रेड करेगा, इससे सस्ता नहीं होगा, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट हिंदुस्तान जिंक को लेकर जो आपका कमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं हो सकता कि 11.5 रुपए के हिसाब से मिला है, हो सकता है। अगर मैं सही होऊंगा तो आपको पता चल जाएगा क्यों। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने 15 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा, आपके पास थे 100 शेयर, ठीक है, तो आपको मिलना चाहिए 1500 का अमाउंट डिविडेंड के रूप में, ठीक है।
ये एग्जैक्टली 15 रुपए हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूं, अगर आपके पास, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, हो सकता है यही आपके साथ हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है भैया 1000 शेयर्स, ठीक है, और आपको मिलना चाहिए 15000 रुपए का डिविडेंड। लेकिन आपको ये 15000 नहीं मिलेगा, आपको 10% का TDS कट जाएगा और आएगा 13500 का डिविडेंड। तो आप देखोगे यार मेरे पास तो ये 13.50 रुपए के हिसाब से आया है। वो इसलिए कि जब भी आप किसी स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक से एक फाइनेंशियल ईयर में 5000 से ज्यादा डिविडेंड लेते हैं तो वहां पे 10% का TDS कटने लगता है। और ये भी पॉसिबिलिटीज होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अभी हिंदुस्तान जिंक के 1000 शेयर ले रखे थे, मतलब आपकी क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, और आपने पहले हिंदुस्तान जिंक ने जब इसी फाइनेंशियल यानी FY22 में, यानी या तो Q1 में या Q2 में डिविडेंड दिया होगा, तब भी आपके पास होंगे, तो आपकी जो टोटल अमाउंटिंग है वो 5000 से ज्यादा हो रही है, तो उसको डिवाइड करके 10% के TDS काट के आपको वो एवरेज पड़ा है। तो सिंपल सी बात है, आपके डिविडेंड पे TDS कटा है, आप इतना समझ लो। आपको मैं जानता हूं, मुझे पता है आपके पास जो डिविडेंड है वो मिनिमम 5000 से ज्यादा आया है, ठीक है, इसीलिए आपका TDS कटा है, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट, IT स्टॉक्स। तो नेस्डेक इंडेक्स 1% ऊपर दिख रही है, ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कल IT स्टॉक्स के लिए अच्छा दिन रहना चाहिए। एज ऑफ नाउ अभी तक तो अच्छा दिख रहा है अमेरिका का बाजार, कल देखते हैं कैसा। विप्रो 1% ऊपर है, इन्फोसिस 1.5% ऊपर है। तो ये मेरी वीडियो अभी की, होप आपको सब कुछ क्लियरली मैं समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।